तो गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का ब्लू टोन इफेक्ट फोटो रेडिंग सिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम में आपको यूज़ करके वो भी बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस अगर आप लोग भी इस एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग अपने जिस भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उसे आप लोग लाइटरूम पर इंपोर्ट कर लीजिएगा यानी ऐड कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाने के लिए ये वाली फोटो को लाइटरूम पर ऐड कर लिया हूँ। और फोटो यहाँ पर ऐड करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इस एडिट का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले चले जाने कलर वाला ऑप्शन में। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर मिल जाएगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर को आप लोगों को इंक्रीज करें, ठीक है। तो इधर पर टेम्परेचर को आप लोग +16 का आसपास रख लीजिएगा। नेक्स्ट इस यहाँ पर आप लोगों को टिंट मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका टिंट को आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करें, ठीक है। तो टिंट के इधर पर आप लोग माइनस करके -13 के आसपास रख लीजिएगा। और उसके बाद गाइस अभी आप लोगों को ऊपर इस मिक्स टूल का ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग सबसे पहले रेड कलर सिलेक्ट हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर रेड कलर के ह्यू को आप लोग हल्का सा माइनस करना है। माइनस करके आप लोग -14 के आसपास रख लीजिएगा। और आप इसका सैचुरेशन को आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इधर पर सैचुरेशन को आप लोग +36 के आसपास रख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग चले जाना ऑरेंज कलर में, और ऑरेंज कलर में जाके यहाँ पर आप लोग सैचुरेशन को माइनस करना है। तो सैचुरेशन आप लोग अपना फोटो के अकॉर्डिंग माइनस कीजिएगा तो ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम इसे माइनस करके -7 या 8 के आसपास रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लुमिनस मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका लुमिनस को आप लोग इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर लुमिनस आप लोग उतना ही इंक्रीज कीजिएगा जितना भी आप लोग अपना स्किन के ऊपर ब्राइटनेस चाहते हो यानी व्हाइट करना चाहते हो आप लोग अपना स्किन को, उतना ही यहाँ पर आप लोग लुमिनस को इंक्रीज करके रख सकते हो। तो हम इधर पर +59 के आसपास रख लेते हैं। और उसके बाद आप लोग चले जाना येलो कलर में, और येलो कलर में जाके यहाँ पर आप लोग को ह्यू को फुल डिक्रीज करके -100 करना है, ठीक है। और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोग को थोड़ा सा डिक्रीज करना है, तो इधर पर सैचुरेशन का आप लोग -66 के आसपास रख लीजिएगा। देन गाइस अभी आप लोग को चले जाना ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर में जाके यहाँ पर आप लोग को ह्यू को फुल डिक्रीज करके -100 करने, और सैचुरेशन को भी फुल डिक्रीज करके -100 करने। और उसके बाद गाइस आप लोग को चले जाना ब्लू कलर में, और ब्लू कलर में जाके यहाँ पर आप लोग को ह्यू को इस तरह से हल्का सा माइनस करने। तो इधर पर आप लोग ह्यू को -64 के आसपास रख लीजिएगा, और आप इसका सैचुरेशन का आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करने। तो इधर पर सैचुरेशन का आप लोग +77 के आसपास रख लीजिएगा। देन गाइस यहाँ सब लोग और कुछ नहीं करने, यहाँ सब लोग सिंपल से कर लेना है डन। डन करने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चला जाना कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में, ठीक है। तो ये रहा गाइस ऊपर कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले शैडो टोन मिल जाएगा, और इधर पे कैरो का ऑप्शन भी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। तो इसी एरो का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करने, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को शैडो टोन का ह्यू मिल जाएगा, तो इधर पर शैडो टोन का ह्यू कमांड को आप लोगों को +241 के आसपास रख लेना है। और आप इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इधर भी इसका सैचुरेशन को आप लोग +25 के आसपास रख लीजिएगा। और उसके बाद गाइस आप लोगों को चला जाना मिड टोन्स में, और मिड टोन्स में आने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को ह्यू को इंक्रीज करना है। तो इधर पर इसका ह्यू को आप लोग इंक्रीज करके 231 के आसपास रख लीजिएगा, और यहाँ पर भी आप लोगों को सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इधर पर आप लोग सैचुरेशन को +32 के आसपास रख लीजिएगा। देन इतना हो जाने के बाद आप लोगों को चला जाना अभी हाईलाइट टोन में, और यहाँ पर आके इधर पे भी आप लोग ह्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ह्यू को आप लोग इंक्रीज करके 231 के आसपास ही रख लीजिएगा, और सैचुरेशन को भी आप लोग को इधर पे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इधर पर आप लोग सैचुरेशन को +60 के आसपास रख लीजिएगा। देन इतना हो जाने के बाद अभी आप लोगों को कुछ इस टाइप से स्वाइप करके नीचे का साइड में चला जाना है। देन गाइस यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका बैलेंस का अमाउंट को आप लोगों को +72 के आसपास रख लेना है, ठीक है। देन गाइस यहाँ से आप लोगों को सिंपल से डन करना है, और डन करने के बाद गाइस अभी आप लोगों को फोटो कुछ इस टाइप का दिखने को लगेगी, लेकिन अभी आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा नहीं तो आप लोग एडिटिंग को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद गाइस अभी आप लोगों को चले जाना इफेस्ट का ऑप्शन में। तो ये रहा गाइस इफेस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्लैरिटी को आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करना है। तो इधर पे क्लैरिटी को आप लोग +15 के आसपास रख लीजिएगा, और आप इसका डीएच को भी आप लोग हल्का से इंक्रीज करना है। तो डीएच के इधर पे आप लोग +17 के आसपास रख लीजिएगा। देन गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को चले जाना विग्नेटी में, और विग्नेटी में आके यहाँ पर इसका विग्नेटी के अमाउंट को आप लोगों को माइनस करना है, ठीक है। तो इधर पे विग्नेटी को आप लोग माइनस करके -44 के आसपास रख लीजिएगा, और आप इसका मिड पॉइंट को भी आप लोगों को हल्का सा कम करें, ठीक है। तो इधर पे मिड पॉइंट को आप लोग +24 के आसपास रख लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोगों को फेदर मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका फेदर को आप लोगों को बढ़ा लें, ठीक है, मतलब इंक्रीज करने। तो फेदर को आप लोग +98 के आसपास रख लीजिएगा। देन इतना हो जाने के बाद अभी आप लोगों को चला जाना लाइट्स का ऑप्शन में, क्योंकि हम फोटो के ऊपर अभी लाइट्स का एडजस्टमेंट करेंगे। और लाइट्स माने के बाद इधर पर आप लोगों को हाईलाइट मिल जाएगा, तो आप इसका हाईलाइट को आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करने, माइनस करके आप लोगों को -13 के आसपास रख लेने। और आप लोगों को शैडो मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका शैडो को आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करने थोड़ा सा। तो शैडो के इधर पर आप लोग इंक्रीज करके +74 के आसपास रख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों को नीचे ब्लैक्स का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका ब्लैक्स को आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करने, तो ब्लैक्स के इधर पर आप लोग -25 के आसपास रख लीजिएगा, ठीक है। देन इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टेस्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो कॉन्टेस्ट के इधर पर आप लोग +13 के आसपास रख लीजिएगा। फिर गाइस यहाँ से
अभी आप लोगों को चले जाना डिटेल्स का ऑप्शन में। तो ये रहा डिटेल्स का ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करके इधर पर आप लोग को शार्पनिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसका शार्पनिंग आप लोग को इंक्रीज करना ठीक है, ताकि आप लोगों को फोटो के ऊपर शाइन आ सके। तो इधर पर शार्पनिंग को आप लोग +24 के आसपास रख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग को चला जाना नॉइज़ में। और नॉइज़ में जाके गाइस यहाँ पर इसका नॉइस रिडक्शन का आप लोग इस तरीके से इंक्रीज करना है ठीक है, ताकि आप लोगों का जो फोटो है वो यहाँ पर फटे नहीं स्मूथ रेड। तो इससे आप लोग यहाँ पर +54 के आसपास रख लीजिएगा। फिर गाइस आप लोग को और कुछ नहीं करना है, आप लोगों का जो फोटो है वो यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। हमारा मॉडल का फोटो का आप लोग देख ही सकते हो, एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो हमारा जो मॉडल का फोटो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके में एडिटिंग हो चुका है। तो आप लोग इस तरीके से अपना फोटो का एडिटिंग कर लीजिएगा और फोटो का एडिटिंग करने के बाद फोटो को सेव करने के लिए आप लोग ऊपर ही शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इधर पर आप लोगों को सेव टू कॉपी डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लें। और एक बात गाइस, इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ऐसे प्रीसेट को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो।